7 बजे वाले जो पुराने स्टूडेंट है ना उसको नहीं पढ़ाए, छोड़ दिए थे। लेकिन ये जो टाइप है बाबू, ये जो टाइप है इसको थोड़ा सही से समझिएगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट जो टाइप है बाबू, इसको आपको रात को मैसेज किए थे, क्या किए थे सर? रात को आपको मैसेज किए थे, ठीक है ना, मैसेज किए थे बाबू कि जो नोगो फॉर्मूला दिया था, अगर वो याद करके आप लोग आए होंगे तो समाज क्लास अच्छे से समझ में आएगा, नहीं याद करके आए होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कर सकते हैं, ठीक है सर। तो नेक्स्ट हम लोग इंटीग्रेशन का टाइप करेंगे, उसके बाद टाइम बचेगा तो डिफिनेट शुरू करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना बाबू, इस टाइप का भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, है ना, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। देखो क्या बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 क्या है, x² - x प्लस 1 है बाबू इंटू dx है सर, ठीक है सर। इसका ऑलरेडी ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, ठीक है, इसी में दूसरा नंबर देते हैं बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बाबू, x+1 है सर बटा x² - x और +1 इंटू dx। देखो दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है, दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है, अंतर तो कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी जो हम 6 फॉर्म बताए थे, 6 फॉर्म जिसको हम लोग नहीं कहते सम स्पेशल फंक्शन करके, ठीक है ना, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन करके 10 दिन पहले, वो इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करें, जैसे √x² + a² तो इसका फॉर्मूला अगर आप लोग याद करके आओगे तो बढ़िया, इसका कितना होता है, 1/8 सर, टेन इनवर्स x/a, ठीक है सर, प्लस एक्स ही आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक हम पंडित हैं। तो नीचे देखो बाबू, नीचे अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर में अगर इस तरह से क्वाड्रेटिक फैक्टर है, वहां भी बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, है ना, तो नीचे में अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है बाबू, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या इस तरह से फॉर्मेट तोड़ देंगे, x² + a² के फॉर्मेट में, या x² - a² के फॉर्मेट में, या इसको क्या 1/a² - x² के फॉर्मेट में तोड़ेंगे, इस तरह के फॉर्मेट में अगर तोड़ लेंगे तो चूंकि इस टाइप के फॉर्मेट का हमको सर फॉर्मूला याद है, उस फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे, इसीलिए रात को आपको बोले थे कि याद करके आना, जो याद करके आएगा वो समझ में आएगा, नहीं याद करके आएगा तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, ज्यादा बाहर कर सकते हैं, हाँ सर। तो ये तो आपको हम करवा चुके हैं, लेकिन सर हमको समस्या क्रिएट तब हो जाता है जब नीचे क्वाड्रेटिक है, कोई दिक्कत, लेकिन नीचे ऊपर अगर लीनियर दे दे, एक ही इक्वेशन दे दे, जैसे नीचे x² के ऊपर x दे दे, तो इसको सोल्व हम कैसे करेंगे, तो इसको सोल्व करोगे बाबू, म्यूट कर लो, जिसका म्यूट कर लो, नहीं तो फिर बाहर कर देंगे, खटखट वाला काम मत करो, म्यूट कर लो, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं है, चलो हो रहा है, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन नीचे बाबू ये वाला है, तो इसका तो हम आसान से फॉर्मूला बेस कर लेंगे सर, लेकिन नीचे ऊपर भी एक का फंक्शन अगर आ गया तो उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, तो उसको हम लोग चुटकी में टैकल करेंगे। लाख रुपए की बात कल जो आपको बताया था बाबू, उसको एकदम याद रखना, ठीक है ना, वो अगर लाख रुपए की जो बात है अगर वो आपको याद रह गया तो बहुत सारे क्वेश्चन जो चुटकी में सोल्व कर लोगे। कल आप लोग ग्रुप में, पेड ग्रुप में कोई क्वेश्चन भेजे हुए था, ठीक है ना, पेड ग्रुप में क्वेश्चन भेजे था, क्या था सर, कुछ ऐसे करके था, 1/x² अगर था इंटू dx था, ठीक है, ठीक है। तो इसमें तो एक तरीका यह है कि नीचे वाले को पुट करो, आंसर लूटो, और दूसरा क्या है, लाख रुपया वाला कंसेप्ट लगाओ, दूसरा क्या है बाबू, लाख रुपया वाला कंसेप्ट लगाओ, आंसर लूटो, क्या लाख रुपया वाला कंसेप्ट है इसमें, इसमें क्या करो, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर कर लो, नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव कर लोगे तो नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना होगा, 1+2x² होगा, तो ऊपर एक ऊपर दो से गुना भाग कर दो, और बटा 1+x² इंटू dx, तिरछा लिख रहा है ना, समझो। अब इसका क्या होगा, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो आपको बताएं बाबू, आपको बताएं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx, तो 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सर बाबू, log x होता है, log x होता है, लाख रुपया की बात है, इसको शांति से सुनना, ठीक है, 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, log x होता है, ठीक है, इतना तो हम जानते हैं, लेकिन इसमें जो लाख रुपया वाला बात है वो तुमको ध्यान में नहीं है क्या सर, ये log x तभी होगा बाबू जब इस फंक्शन का यहाँ पे क्या रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा, शुरू से बता रहे हैं, इस पॉइंट को समझो, ठीक है ना, log x तभी होगा बाबू जब इस फंक्शन का यहाँ पे क्या रहेगा, तुम्हारा डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा, ठीक है सर। तो अगर इस फंक्शन का, इस फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव अगर आपको प्रेजेंट हो जाए तो मेरा log वाला आ जाएगा फॉर्मूला, हाँ सर। तो इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, x² का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x होगा, तो 2x होगा तो 2 ऊपर बना दो, तो 2 जब ऊपर बनाओगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो एक बटा 2 से गुना भाग कर दो, तो अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव तुमको यहाँ नहीं प्रेजेंट है ना, हाँ सर, तो इसका आराम से फॉर्मूला निकाल दो, 1/2
log of कितना हो जाएगा 1 plus x square, तो कितना आसान से बन जाता है। इसीलिए तुमको कह रहे हैं आप क्या हो गया वीडियो करिए बाबू, आप मेरे वीडियो पे डबल पिन कर लीजिए, ऐसे दो बार पिन कर लीजिए ना। स्पॉटलाइट वीडियो मेरे से नहीं होगा, हमको किसी को होस्ट बनाना नहीं पड़ेगा। नहीं सर, कोई बिजली चालू करता है, बात आ रहा है भाई, हो जा रहा है, हम लोग किए हैं। अच्छा ठीक है, तुम ही को बना लेते हैं। कहाँ गया, कहाँ सबसे ऊपर? अभी विश्वासी लड़का को बनाएंगे ना जी, अनामिका शर्मा अंशु, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बेचारे को। आज है भर है बाबू, ठीक है ना, आज 5 तारीख के बाद खत्म हो गया पेड वर्जन, ठीक है ना, अब 15 को रिचार्ज होगा। ठीक है, तो हम आपको क्या कह रहे थे बाबू कि सर इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है तो लॉग एक्स होगा। तो वही बात यहाँ तुम लास्ट की बात क्यों नहीं समझ रही, तुमको पॉइंट जो है कहीं नहीं मिलेगा। क्या सर, इस फंक्शन का ऊपर अगर डेरिवेटिव बना लेते बाबू, तो नीचे का अगर ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो कितना फॉर्मूला हो जाएगा लॉग एक्स। अब बाकी बहुत सारे स्टूडेंट इसको करके पुट करके बना रहा था, तो पुट करके भी बनाओ, 1 + x² को मानो, एक्स बाई जेड कुछ मानो, ठीक है ना, 1 + x² को वहां से भी उसको पुट करके बना, तो कितना एक लाइन में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है सर, तो ये जिसको बात समझ में आ गया, इसी बात पे, इसी लाख रुपया की कंसेप्ट वाले बात पे बाबू हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और ऐसा ऐसा 2-4 हुए, ठीक है ना। तो इसको एकदम कंठस्थ कर लो, इसको कंठस्थ कर लो, जैसे और सर इसमें का कोई एग्जांपल आप हमको बता दीजिए, अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, इसी सब तो करेंगे करेंगे, अभी बता रहे हैं बता रहे हैं बता रहे हैं बता रहे हैं, इसको एकदम कंठस्थ कर लो। नहीं समझ में आता तो हमको 2-4 बार पूछो, लेकिन इस बात को ध्यान रखो, ये ध्यान रखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन चुटकी में कहूँ नहीं मिलने जा रहा है। कोई भी टीचर से पढ़ते रहो, कोई नहीं ऐसे करके बताता बाबू, कोई कोचिंग में पढ़ो, ठीक है। ठीक है सर, देखो बाबू जैसे तुमको क्या है, जैसे तुमको क्या है बाबू, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स, ठीक है, एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो आप सर हमको रटा दिए, कितना होता है बाबू, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन कितना होता है बाबू, n+1 + 3, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तभी वैलिड है मेरे बाबू, तभी वैलिड है जब क्या रहे, इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट रहे। ये बात को तुम समझो, इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स होगा, तो इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तभी लगाना, ठीक है सर, ठीक है सर। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो अगर देखो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कितना है, और इसमें जैसे कितना हो सकता है, मान लो 3x है, ठीक है, 3x के पावर n है, 3x के पावर n इंटू डी एक्स है, ठीक है, तो इसमें क्या लगाओगे बताओ, अब 3x का पावर n दे दिया इंटू डी एक्स दे दिया, ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, इसका पावर रूल लगाओगे, तो पावर रूल कैसे लगाओगे बाबू 3x के पावर n दे दिया, ठीक है ना। तो देखो हम आपको क्या बोले, इसमें भी ऐसे लिख दोगे, इसमें भी बाबू ऐसे लिख दोगे, x के पावर n प्लस वन प्लस c, ऐसे लिख दोगे, नहीं लिखना ऐसे बाबू, ठीक है ना, ठीक है ना, क्यों नहीं लिखेंगे सर, देखो इस फंक्शन का यहाँ अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तभी लगाना, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x का डेरिवेटिव 3dx होगा, तो यहाँ 3 तुमको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जब भी नहीं आ रहा है तो वहां बनाओ, तो जब भी बनाओगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो उसको फिर इस तरह से बनाना है कि मेरा ओरिजिनल फंक्शन रहे, वो भी बदले नहीं। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि 3x के पावर अगर n है, यहाँ इसका डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 × dx, तो dx तो है लेकिन 3 ना है, तो 3 ना है तो 3 बना, 3 से गुना कर देंगे। अब तुम 3 से जब गुना कर दोगे मेरे बाबू, 3 से गुना करके फंक्शन में चेंज हो गया, 3 आ गया, चेंज हो गया ना, तो चेंज हो गया तो तुम अपना मन से करोगे, मैथ में अपना कुछ नहीं करना है, मानो लेकिन कुछ नहीं अपना मन से करना। तो 3 जब आ गया तुम, तब बाहर में तुमको 1/3 से गुना करोगे तब ना ओरिजिनल फंक्शन रहेगा। हाँ सर, अब यहाँ फॉर्मूला लगा, तो यहाँ एक्स के जगह आप लूटो आंसर, 3x के पावर n+1/n+1 और प्लस सी, है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोचेंगे, लाख रुपए की बात है, कोई नहीं बताता है, ठीक है ना। 1/3 भी होंगे सर पीछे, हाँ 1/3 होगा, 1/3 कहाँ से, ई बला, हाँ बाबू, ठीक है। तो ये लाख रुपया की बात है बाबू, ये कोई नहीं आपको बताएगा, कहीं भी यूट्यूब पे देखते रहिए, ठीक है ना।
तो यही सब कंसेप्ट को हम आगे वाले आज के क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है ना, यही सब कंसेप्ट को यूज करेंगे। और ये तुम्हारा थोड़ा सा कंसेप्चुअल का टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आज दो चार को करेंगे इसी टाइप के, ताकि आपको पूरा से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है सर। तब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद आप दो चार को लेंगे, है ना, ठीक है सर। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम बोलो 3 के पावर n और लिख रहा है क्या? नहीं दिखता बाबू, सही से क्लियर नहीं दिखता, आप कितना आगे करें? दिख रहा है ना, मतलब कि मुझे डाउट है। हाँ बोलिए, तो डाउट है तो बोलिए, नहीं दिखता है तो उसका अलग सोल्यूशन है, डाउट है उसका अलग सोल्यूशन, बोलिए बोलिए बोलिए। इन कर सकते हैं उसमें क्या बाबू? दूसरा वाला लाइन में, दूसरा वाला लाइन है ना उसमें, हाँ इसमें 3 के पावर n इंटू अगर कुछ भी रहेगा तो उसका पावर ही होगा, तो 3 के पावर n इंटू। हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ बाबू, आप इसको ऐसे भी कीजिए, क्या दिक्कत है, तो वो छोड़िए ना, आप ऐसे कीजिए, जैसे इसको 3 के पावर हम n कर दें सर, और x के पावर n कर दें इंटू dx, आप यही करना चाहते हैं? यस सर। हाँ तो 3 के पावर n तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर ले लो, उसके बाद x के पावर n का तो डिफरेंशिएशन करो तो बतिया वही ना आएगा। ओके सर। नहीं बस है ना बाबू, ठीक है सर, वही आएगा फिर, यहाँ 3 का पावर n+1 है, नीचे एगो 3 है ना, तो एगो कटेगा ना, तो 3 का पावर n आ जाएगा, ठीक है, तो ये ठीक है, आप अपना दिमाग लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन हम जो बताना चाहते हैं इसको पहले समझिए, इससे ये तो कोई भी बना देता है, लेकिन ये जो बात बता रहे हैं इसका हमको आगे यूज है, सब क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज है। क्या नाम है, यमुना भारती नाम है बाबू? ममता सर। अच्छा ममता जी, चलिए बढ़िया बात है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, ये तो छोड़िए, ये तो कोई भी 3 के पावर कॉमन लेगा। अब ये दोनों क्वेश्चन बाबू बहुत अंतर है दोनों क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन देखने में भाई भाई जैसा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के नाम उल्टा है, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के क्या बाबू उल्टा है। यहाँ देखो इसमें, इसमें सिर्फ खाली डिनोमिनेटर में है, इसमें डिनोमिनेटर के साथ तुम्हारा न्यूमिनेटर में एक्स आ गया, ठीक है ना, एक्स आ गया, ठीक है, तो इसको तो हम लोग सोल्व करेंगे बचपन में जैसे किए हैं, कैसे सर, नीचे क्या, नीचे हम लोग क्या लाएंगे, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे, तो इसको पहले सोल्व करते हैं और इसी से रिलेटेड हम लोग इसको सोल्व करेंगे, है ना, दोनों सेम है बाबू, लेकिन ऊपर में एक प्लस आ गया, ठीक है सर, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये तो आप लोग, हम लोग बता चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी, हम बता चुके हैं पीछे में, ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख दीजिए सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, ठीक है सर, अब इसको क्या बनाओ, इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में कैसा इक्वेशन, क्या सर, क्या सर, 1/(x²) प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस कुछ आ जाए यहाँ पे, लेकिन फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में रहना चाहिए, माइनस प्लस हमको मतलब ना, हमको हमारे पास 6 वो फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो माइनस प्लस हमको ज्यादा मतलब नहीं है, तो इसको इसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो, तो कैसे लिखेंगे सर, ऐसे लिखना बाबू 1/, देखो ये क्या करो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लिखने की कोशिश करो, तो कितना होगा, ए स्क्वायर हो गया, देखो कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा ना बाबू, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो उसको ए प्लस बी के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करना, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे सर, अब वो सीखो, जैसे हमको इसको a प्लस बी के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश हम कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस वन, ये भी तरीका आपको x स्क्वायर माइनस x प्लस वन, अब इसको क्या लिखो, a प्लस बी के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो, a प्लस बी के होल स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखे करो, क्यों सर, क्योंकि मेरा बाबू इस फॉर्मेट का हमको फॉर्मूला पता है, तो इसको स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करोगे, कोई भी क्वेश्चन है बाबू, तरीका यही है, ठीक है ना, कैसे स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, देखो 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 देखो, हमको तो आज 4 क्वेश्चन में हमको तो डर लग रहा है मेरा समय ना बर्बाद हो जाए, कहीं नहीं ये दो ना हो जाए, देखो क्या है बाबू, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, समझो इतना डिटेल से कोई नहीं बताता, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये तो बचपन से जानते हो, नहीं जानते हो तो छोड़ दो पढ़ाई लिखा, तो हमने क्या, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, अगर यहीं पे बाबू x प्लस वन के अगर होल स्क्वायर अगर हम करना चाहें, x प्लस वन के अगर होल स्क्वायर करना चाहें तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, ठीक है सर, और x माइनस वन के होल स्क्वायर करना चाहें तो x माइनस वन के होल स्क्वायर यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है सर, तो देखो पहला टर्म मेरा क्या x स्क्वायर है, ठीक है, नहीं तो इसको इस पे तोड़ो, तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर इसको रहने दो, फिर इसको देख फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, हाँ सर, तो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 2 चाहिए तो प्लस 2 यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab वाला चाहिए बाबू, a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ो चाहे माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ो, कुछ तोड़ो, 2 तो आएगा, तो 2 तो यहाँ आएगा ना बाबू, तो 2 यहाँ हमको लाना है, तो 2 लाना है, तो 2 बना नहीं है ना, 2 बना
ठीक है सर, ये टू हो गया, ए स्क्वायर माइनस टू ए, अब इसको ए मान लो, पहले वाला को ए मांगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए, एक जगह क्या दोगे एक्स दोगे, ठीक है सर, यहां तक किसी को दिक्कत है, अरे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी होता ना, माइनस टू ए बी होता ना, ठीक है ना, तो ए क्या आता, ए क्या आता, यही ए है ना, तो इसको ये दे दिए, कैसे तोड़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो सीखो, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी, अब बी बाबू क्या है, बी इंटू बी होगा, यहाँ बी है ना, यहाँ पे बी है ना, तो यहाँ बी करो, तो बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो बी की जगह सब तो एक से एक से गुने गुने हो गया सर, चलो दशमलव दे रहे हैं, अब बी की जगह इस तरह से इसको माइनस करना, बी की तरह इस तरह से इसको माइनस करना, कैसे सर, कि माइनस एक्स आ जाए, बाबू यहाँ माइनस टू एक्स है ना, तो तुम्हारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है मेरे बाबू, माइनस एक्स, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बटा दो से ना, सर देखो तो नहीं आ गया, क्या आ गया सर, ये दो दो कहीं माइनस, इतना आ गया कि नहीं आ गया, तुमको इस तरह से तोड़ना, इस तरह से तोड़ना है कि तुमको ऊपर वाला, ऊपर वाला जो ओरिजिनल फंक्शन वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, और मेरा काम भी बन जाना चाहिए, ठीक है ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वही हाल है तुमको यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी आ गया, तो बी की जगह कितना बाबू, एक बटा दो है, अरे बी की जगह यही ना, तो एक बटा दो है, तो प्लस कितना होगा, एक बटा दो का स्क्वायर, ठीक है सर, एक बटा दो का स्क्वायर, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, हाँ सर यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, तो पूछो, ठीक है, अब एक बटा दो तुम ज्यादा ऐड किया ना, एक बटा दो का स्क्वायर ऐड किया, तो एक बटा दो का स्क्वायर जब ऐड किया, ओरिजिनल फंक्शन में कहीं एक बटा दो है नहीं ना, है नहीं ना है, तो एक बटा दो का स्क्वायर ऐड किया, तो इसको घटाओ, माइनस एक बटा दो का स्क्वायर घटाओ, और एक है जो एक उसको लिख दो, ठीक है बाबू, किसी को दिक्कत है तो पूछो, देखो बाबू क्या कहें, इस तरह से ये जो कंसेप्ट है आपको आज से जब तक जीवित हो अपने बाल बच्चा सभी को इसी कंसेप्ट का बताना, ठीक है ना, ट्रिक है, ठीक है ना, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हम लोग कैसे तोड़ेंगे, कोई भी इक्वेशन दिया है उसको इसी तरह से तोड़ेंगे, पहला एक्स स्क्वायर रहेगा सर माइनस टू ए बी होता है सर, तो टू टू हो गया सर, फिर ए आता तो ए कौन वाला, पहला टर्म ए लिखे सर इंटू बी आएगा, तो बी हमको क्या लाना, बी हमको क्या लाना, अब बी तुमको इस तरह से सोचना है कि यहाँ माइनस एक्स है तो माइनस एक्स बन जाए, तो यहाँ माइनस टू एक्स है तो बी के वैल्यू अगर एक बटा दो धर देंगे तो माइनस एक्स ना बच गया, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यही टर्म बी है ना रे बाबू, यही टर्म ना बी है, यही ना बी है, कसम जहर खा कर मर जाओ, ये तुम्हारा ए है सर, इतना अच्छा से कौन बताएगा जी, ये तुम्हारा बी, ये भी ये ए है, तो ये हु ए है और यही तुम्हारा क्या है बी है, तो एक्स स्क्वायर ई ए हो गया, एक्स तुम्हारा क्या ए है, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, अब b है तो b तुम्हारे b एक बटा दो आ गया, तो एक बटा दो जब फंक्शन में तो क्या होगा 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यही b है ना, तो इसका स्क्वायर कर दिया, हाँ सर, अब जब इसका स्क्वायर कर दिया तो तुम्हारा ओरिजिनल वो फंक्शन वहाँ चेंज हो गया ना, तो इसको प्लस एक बटा दो स्क्वायर के तो माइनस एक बटा दो का स्क्वायर घटा, तब ना ई कैंसिल होगा, हाँ सर इतना सही है, और उसको जो एक है वो जोड़ दो, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कैसे सर, कैसे सर, ऐसे सर, ऐसे सर, ऐसे बाबू, ये कितना हो जाएगा x माइनस एक बटा दो का स्क्वायर नहीं आ गया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स माइनस एक बटा दो के स्क्वायर नहीं हो गया, अभी इसको फिर सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा माइनस एक बटा चार और प्लस वन, किसी को दिक्कत है तो पूछो, ना दिक्कत है तो पढ़ो, अब इसको घटा दो बाबू, कितना हो जाएगा इधर चार आ जाएगा सर, माइनस वन आ जाएगा सर, तो तीन बटा चार आ जाएगा पॉजिटिव में, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा दो के स्क्वायर हो गया सर, और प्लस में तीन बटा चार हो गया, ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखे कि नहीं लिखे, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, अब हमको जो इक्वेशन यहाँ क्वाड्रेटिक बनाना है बाबू, कैसे बनाना, ये तो टर्म आ गया एक्स स्क्वायर वाला, तो टर्म सर यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म आया ना जी, अब एक ए स्क्वायर वाला टर्म लाना, तो मेरा क्या होगा फॉर्मूला पर डायरेक्ट पुट हो जाएगा, हाँ सर, तो ए स्क्वायर वाला टर्म लाना है बाबू, ए स्क्वायर वाला टर्म लाना है, तो इसको ए स्क्वायर मान लो ना, ये टोटल को एक्स मान लो, इसको ए स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर इसको अगर करेंगे बाबू, इसको ए स्क्वायर अगर करेंगे मेरे बाबू, ए स्क्वायर इसको अगर करेंगे, ए स्क्वायर इसको अगर करेंगे तो कैसे करेंगे मेरे बाबू, ऐसे कर देना बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस, मैथ में यही कहता आपको जितना भी ऑपरेशन करना ऑपरेशन कीजिए, ठीक है ना, लेकिन मरीज मरना नहीं चाहिए बाबू, इसमें जितना भी जोड़ घटाव करना अपने मन से कीजिए, लेकिन जो ओरिजिनल फंक्शन का जो वैल्यू है उसमें तुमको चेंज नहीं होना चाहिए, यही तो मैथ की खूबी है, ठीक है ना, हाँ सर, हाँ सर, एक क्वेश्चन हम इतना बढ़िया से बता रहे हैं, सब ना बताएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, अब प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इसको स्क्वायर बनाओ ना, तो इसको स्क्वायर कैसे बनाओ, रूट थ्री बाई टू का, थ्री बाई टू, टू का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा, मर्डर कर दोगे, रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर हो गया, मतलब क्या सर, मतलब इतना को हम इतना ना लिखे,
कहाँ हो गया? क्या हो गया? बोलो नीचे आगे पढ़ो, ठीक है? ये सब लड़का उलबल पिस्तौल वाला है ना, धीरे धीरे बोला। पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, लाइन बोलो। वहां वहां में हमको टेंशन होता है, ठीक है ना? वहां वहां कहां देखिए, तीसरा लाइन सर, तो ये बाबा 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो सर इतना इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इतना को इतना ना लिख सकते हैं? हाँ सर, हाँ सर। तो इतना को इतना लिखिए तो हम लोग क्या करेंगे इसको, अब आप लोग बढ़िया से फेर कीजिएगा ना। तो इसको आप लोग बक्सा में बना के लिखिए। ये टूंटू कहाँ कर रहा है जी? ठीक है, इसको हम लोग बक्सा में पैक कर लेंगे, है ना? ठीक है सर, बक्सा में पैक कर लेंगे नीचे, और यहाँ पे एक बार फॉर्मूला वो लिख लेंगे, एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर वाला, ठीक है ना? का है सर, इसलिए कि समझने में हमको आसान हो गए। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या प्लस माइनस देंगे तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो अब इतना को हम लोग क्या, इतना ना लिख सकते, तो लिखिए सर, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या है, आप तो आप सिखाइए दिए। इसी तरह से हम लोग सब क्वेश्चन को तीन चार गो करवाएंगे, तोड़ेंगे, है ना बाबू? ये 7:30 बजे वाला को प्रीवियस वाइज मैंने एक दो बताया था, ठीक है ना? तो सबका एग्जाम हो गया, टेंशन ना लेना। इतना बराबर इतना ना लिख सकते, ठीक है? लिखिए सर, एक्स माइनस एक बटा दो के होल स्क्वायर और प्लस रूट थ्री बाय टू के होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मूला याद करके आया होगा, इसका जो भी याद करके आया होगा वो आंसर बनाएगा, नहीं आएगा जो बैठ कर दीवार देखो इसे करके कहाँ से याद होगा? इसीलिए रात में मैसेज किया था, ठीक है ना? तो इसका कितना होता है, 1/a tan inverse x होता है सर? हाँ सर, हाँ सर। तो इसका लिखो 1/a, तो 1/a कितना हो जाएगा बाबू? रूट थ्री बाई टू हो जाएगा इंटू टेन इनवर्स, टेन इनवर्स बाबू एक्स बाई ए, तो एक्स यही है ना, एक्स माइनस ए बाई ए, तो रूट थ्री बाई टू, अरे वो सी आएगा जो आएगा, है ना? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दो ऊपर चल जाएगा तो दो बाई रूट थ्री हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम बाबू प्रीवियस में करवा चुके, तो यहाँ क्यों करवा रहे हैं? हमको इस टाइप के क्वेश्चन को मेन सोल्यूशन चाहिए, ठीक है ना? तो हमको इसको पहले बताना पड़ेगा, ठीक है ना? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2x-1 है, नीचे 2 है, कैंसिल नहीं हो जाएगा? 2x-1 बटा कितना हो जाएगा, रूट थ्री, अरे 2x-1 बटा 2 आएगा, यही रूट थ्री बटा 2, तब दो दो कैंसिल होकर ये आ जाएगा, प्लस थ्री आ जाएगा। लिखिए आप लोग, फिर हम लोग उसको, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा साइड में। जल्दी करो, मेन मुद्दा हमको इसको सॉल्व करना। इतना बढ़िया से कोई पढ़ाएगा जी बिहार में? बिहार को आप कहीं भी पढ़िए, कहीं कोई नहीं पढ़ाता। थोड़ा सा डिस्टर्ब आप लोग को कर देते हैं, देख लेते हैं एक झलक 32 बजे। चलो ठीक है, क्या किया है जूम में बोला, समझ में नहीं आता। पार्टिसिपेंट पे क्लिक करते थे गायब हो जाता, हम देख नहीं सकते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जल्दी लिखिए बाबू, जल्दी करो, हमको मेन मुद्दा इसको सोल्व करना, इसको करना, ठीक है सर? तो इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे ऊपर में, यहाँ पे मिटाने की जरूरत पड़ा तो, नहीं तो इतना में हो जाएगा। लिखो जल्दी, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया बाबू कितना आया सर? 2/√3 आ गया, टेन इनवर्स 2x-1/√3 प्लस सी। चलो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो झक्को, क्या कर सकते हैं।
कितना टाइम दे सकते हैं? लिखो दया आ जाता जी, आप लोग का मासूम चेहरा देखकर दया आ जाता। ये सब नहीं तो उनको मन कर रहा था छोड़ देने का कि ना बताते ये सब, कौन भुगतान, लेकिन ममता आ जाता, दया आ जाता। फिर भी आप लोग सब 200 रुपया देने में खाना खानी करते हो, एक भी ना छोड़ेंगे। जितना आपको यूनिवर्सिटी में है ना सब पढ़ा देंगे। मजा लगे क्वेश्चन कोई कॉपी से बाहर दे दे, एग्जैक्ट तो बहुत कम ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। मान लो 10 नंबर 20 नंबर का डाटा सही आएगा, और कितना आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन में एक्स की जगह क्या कर देगा, 2x+1 कर देगा, 3+, तो इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करोगे, डाटा चेंज रहेगा, उस बार आंसर कर लोगे, है ना। तो इसलिए कहते हैं कपिया कदम उठाओ चट जाओ, चट जाएगा, ठीक है ना। इतना वैरायटी का क्वेश्चन करवा दिए कहीं नहीं मिलेगा। इसका सोल्यूशन थोड़ा करने की कोशिश करते हैं सर। ठीक है सर, कीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, इतना मिनट जाएगा इसका। बाबू तो जब पहले क्वेश्चन में सर, क्वेश्चन में लिख लीजिए इस क्वेश्चन में बाबू, मेन हमको मुद्दा है इसी क्वेश्चन को बताना, ठीक है ना, ठीक है ना। वो तो हम लोग आपको फिर पीछे बता चुके हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, लाख रुपए की बात वही है सर, लाख रुपए की अभी ना बात बताएं, कौन लाख रुपए की बात। अगर 1/x (dx) है तो इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा, इस बात को समझो, ठीक है ना। नहीं समझोगे तो मेरा क्या लोगे, ठीक है। नहीं तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में झूलते रहना, ठीक है ना, 2 पेज 4 पेज खत्म करते रहना। इस फंक्शन का यहाँ डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है तभी इसका इंटीग्रेशन होता है बाबू, लॉग एक्स होता है, मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। ये बात को हम बोल रहे हैं, जो जितना अच्छा से समझ जाओगे उतना ही आप लोग को क्वेश्चन चुटकी में बनेगा। जो ग्रुप में आता है ना मैसेज बाजी, ई के इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे बना दो, आंसर लुट लो, ठीक है ना। एक्स क्यू का डेरिवेटिव कितना होगा, 3x² होगा, तो 3 यहाँ है नहीं ना, है नहीं ना है, तो 1/3 से गुना भाग कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया। अब देखो इस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव तब इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स क्यू अपॉन 3 + c। नहीं तो फुटकर कितना आसान चीज है बताओ, हे देवा हो देवा, ऐसे क्वेश्चन बनता है हम देखते हुए। इसीलिए कह रहे हैं लाख रुपए की बात है बाबू, ठीक है ना, बहुत रिसर्च करके खोजे हैं। तो सर अगर 1/x (dx) है तो नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो लॉग आ जाएगा। तो इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव बना लेते ऊपर में सर, तो मेरा लॉग वाला आ जाएगा, तो क्वेश्चन तो मेरा सोल्व हो जाएगा। तो नीचे का डेरिवेटिव कितना होगा, (x²) - (x²) - 2x - 1 होगा। नीचे वाला का डेरिवेटिव कितना होगा बाबू, (x²) - (x²) कितना होगा, 2x - 1 होगा। तो ऊपर 2x - 1 है नहीं ना, है तो बनाओ, नहीं है तो बनाओ। अब इस तरह से बनाना कि जो तुम्हारा ओरिजिनल है वो चेंज ना होना चाहिए, तुम जोड़ घटाओ गुणा भाग करो, लेकिन ऐसे करना कि तुम्हारा ओरिजिनल बस चेंज ना होना चाहिए, ठीक है सर। तो नीचे वाला का डेरिवेटिव कितना आएगा, नहीं समझ में आता, (x²) - (x)² - 2x - 1 आएगा, तो ऊपर नहीं ना 2x, तो 2x - 1 बना लो, ठीक है सर, बना लिया सर। (x²) - (x+1) - dx, ठीक है सर। नीचे का ऊपर डेरिवेटिव आ गया, तो अब इसका आराम से क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप बाबू यहीं पे क्वेश्चन अगर तुमको ऐसे ना देके 2x - 1 दे दिया जाता, 2x - 1 अगर दे दिया जाए तो डायरेक्ट इसका आंसर तुम लोग सोचता है, तुम लोग इंजीनियरिंग क्लासेस का स्टूडेंट है, सोचता कुछ ना सोचना, सीधे नीचे का डेरिवेटिव प्रेजेंट है सर, इसका दम लॉग कटाक्ष नहीं है दम, आप लोग किसी से भी टकरा सकते हो, (x - 1) + c, ठीक है ना, एकदम किसी से भी टकरा सकते हो, टीचर से भी टकरा जाना सीन स्थान के। अगर इसका डेरिवेटिव ये क्वेश्चन अगर आपका होता एक लाइन में होता, बाकी बनाने वाला पुट करके बनाते रहता, ठीक है ना, लेकिन तुम डायरेक्ट लूट लेता आंसर। देखो जी 500 का मैच, ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो मेरा 2x नहीं है बाबू, यहाँ 2x तो नहीं है, यहाँ तो मामला कुछ और है, यहाँ तो (x+1) है ना, ठीक है सर। जितनी अच्छे से ये बात समझ जाओगे तब किसी को पढ़ाना। तो मेरा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर तो बना लिया सर, 2x - 1। अब जब ऊपर डेरिवेटिव बना तो ओरिजिनल हुआ, तब तुम रूपा बिगाड़ दिया ना जी, ऊपर (x+1) है, नीचे 2x - 1 है, तो ऊपर एक, तो जो ऊपर रहेगा उसी को लाने की कोशिश करना, तो कोशिश करो सफलता मिलेगा ही सर। तो पहले x है सर, तो यहाँ x कैसे आएगा बाबू, 1/2 से बाहर में अगर गुना कर देते हैं तो x नहीं आ गया है ना जी, हाँ सर x तो आ गया। फिर -1/2 है, इसको गुना करो -1/2, और बाहर में क्या है बाबू, 1 है, तो -1/2 है ना, तो यहाँ -1/2 तुम एक्स्ट्रा ऐड कर दियो, तो इसको ऐसे कर दो +1/2 कर दो,
बाबू माइनस एक बटा दो एक्स्ट्रा ऐड किया ना जी, तो माइनस एक बटा दो प्लस एक बटा दो क्या होगा, ये एक्स नहीं है, इसको सोल्व करना, एक्स हो गया आई माइनस एक बटा दो आई प्लस एक बटा दो एक्स आया ना, लेकिन ये प्लस वन तुम छोड़ दोगे, प्लस वन छोड़ोगे, नहीं प्लस वन नहीं छोड़ना, प्लस वन नहीं छोड़ना, प्लस वन नहीं छोड़ना, प्लस वन, इतना तक किसी को दिक्कत है तो पूछो, ठीक है ना, और नहीं तो फिर वैसे करके दो पेज में बहुत सारे टीचर को देखना, आप अपन दूसरा को देना बना दे क्वेश्चन, मैं देखना कैसे ऑल बॉल पिस्तौल होता है, ठीक है ना, इसी में झुलसते रह जाएगा, फुट शूट करेगा आई भी नहीं करेगा, इसको कैसे इसको मानेगा, इसको मानेगा ना जी, इसको फुट करके बनाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन फुट करके बनाएगा, झकते रहेगा, नहीं विश्वास होता ना, तो देखना तुम अपना क्वेश्चन किसी को, इसको स्टार मार दो, अपना दोस्त को किसी को देना, टीचर वो को देना तो ऑल बॉल पिस्तौल होते रहेगा, ठीक है ना, ठीक है बाबू, इसको पुट करेगा तो इसको पुट करोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, बहुत सारे कोचेज देखो ना इसको कैसे बनाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू मान लो बाई मान लेते, तो इसको पुट करो तो टू एक्स माइनस वन इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर देगा तो कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स, आप सोचेगा तो ऊपर तो मेरा टू एक्स है या नहीं, तब कैसे लाएंगे, इसी में घुच घुचा कर रह जाएगा, तो जो शांति से बता रहे हैं उसको समझो, हमको एक एक क्वेश्चन आज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, हम मैथ तुम लोग पढ़ाते सिखाते अभी पढ़ाते नहीं, हम मैथ सिखाते, हमको एक एक क्वेश्चन होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही से होना चाहिए, क्या किया सर, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना दिए, हाँ सर टू एक्स माइनस वन, तो टू एक्स माइनस वन तो जब भी फंक्शन में जोड़ घटा गुणा भाग करोगे तो ओरिजिनल को वर्तमान रखना, एक प्लस वन ही तुमको लाना, तो एक प्लस वन के लिए एक बटा दो कर दिए सर, तो माइनस एक बटा दो यहाँ आएगा, तो माइनस एक बटा दो फंक्शन क्या हो गया चेंज हो गया, तो एक बटा दो जोड़ दिए, और ये कहाँ से सर, ये एक यहाँ से, तो तीन रंगन है, तीनों का तीन मीनिंग है, काला का अलग मीनिंग है, ब्लैक का अलग और ये ग्रीन का अलग, अब इसको थोड़ा सा क्या करो बाबू, सेपरेट करने की कोशिश करो, एक बटा दो और एक तीन बटा दो हो जाएगा, एक रुपया आधा रुपया तीन बटा दो हो जाएगा, हाँ सर हाँ सर, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करें, सेपरेट करें को कोशिश करेंगे बाबू, सब क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको जी, मिलवो करेगा तो देखना कितना लंबा सोल्यूशन करेगा, ठीक है ना, चार बोर्ड में करेगा, तो एक बटा दो बाबू इसको थोड़ा ऐसे करके लिख देते तो आपको आपत्ति हो जाएगा, कैसे सर, टू एक्स माइनस वन बटा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इतना को अलग कर दो, आई तीन बटा दो है ना, एक बटा दो प्लस एक तीन बटा दो है, प्लस तीन बटा दो को हम बाहर कर देते हैं और इसको सेपरेट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछो, पहला लाइन दूसरा लाइन तीसरा लाइन से पूछो, दिक्कत है तो पूछो, दो सेकंड, एक दो नहीं आवाज आया, दूसरा लाइन सर, हे देवा पूछिए दिया पूछिए दिया, अरे बाबू हम तुमको क्या कह रहे हैं कि नहीं, वन बाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स तभी होगा जब नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, ये हम 5000 बार बताएं, तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट कर दो ना तो टू एक्स माइनस वन हो जाएगा, यही ना होगा, तो जैसे 2x माइनस वन अगर कर दिया बाबू तो तुम्हारा ओरिजिनल फंक्शन x प्लस वन है, लेकिन यहाँ तुम 2x माइनस वन कर रहे हो, इसको हमको जब भी जोड़ घटाओ गुणा भाग करना तो ओरिजिनल लाना, ठीक है ना, तो x प्लस वन हमको लाना, तो यहाँ 2x से एक बटा दो से गुना कर दो, तो ये गुना करोगे तो एक से बचेगा ना जी, माइनस एक बटा दो बचेगा, माइनस एक बटा दो क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो माइनस एक बटा दो ज्यादा एक बटा दो जोड़ दो, अब एक बटा दो जोड़ देते, इतना को तुम सोल्व करोगे ना, कितना सर गंदा नहीं करेंगे जी, इतना को तुम सोल्व करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो इतना इतना को सोल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा वैल्यू, ठीक है ना, अब प्लस वन, क्या नाम था जी पूछिए, चलो ठीक है रहने दो, अब बाबू देखो क्या है, आजा ठीक है अंकित बाबू, अब इसका इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है कि ना, 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 हाँ सर, तो जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट रहता है लॉग एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बाबू, लॉग एक्स, लॉग एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस थ्री बाई टू, और अभी इसका इंटीग्रेशन करवाएं, वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का अभी करवाएं, ठीक है ना, अभी करवाएं, ताजे ताजे है, यही वाला है, ठीक है बाबू, तो वही वाला है जो लिखो, टू बाई रूट थ्री, इंक डाल रहे हैं, टेन इनवर्स कितना बाबू, टू एक्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री और एक प्लस थ्री, ये दो से दो काट लो, नीचे रूट थ्री ऊपर बिना रूट थ्री, तो नीचे रूट थ्री ऊपर बिना रूट थ्री, तो ऊपर क्या बच जाएगा बाबू, रूट थ्री बच जाएगा, यहाँ से रूट थ्री हो जाएगा, है ना, ठीक है सर, एक बटा दो का अगर इधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा, पावर में हो जाएगा, मतलब क्या सर, हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, लॉग ऑफ रूट अंडर
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस रूट थ्री टाइन इनवर्स टू एक्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री और प्लस थ्री, ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। वो लिखिए आप लोग, किसी को समझने में दिक्कत है तो पूछो, नहीं दिक्कत है तो इंक डाल रहे हैं। आप लोग कितने हो जी? टीचर गायब हो गए सर, एफ से। चलो ठीक है, जल्दी लिखिए, जो थोड़ा सा भी पढ़ने में होगा ना इस टाइप के क्वेश्चन को मजा से लेगा। ऐसे मेरे विद्यार्थी सब पढ़ने में तेज है, सब होनहार है गवर्नमेंट कॉलेज के। जल्दी लिखिए, अब बात को समझिए। आज मेरा एक के दो क्वेश्चन होगा, लेकिन आप लोग को हम मैथ पढ़ाते नहीं बाबू, सिखाते हैं। इसे मैं थोड़ा चेंज कर दें सर, अब कल 9 को जो फॉर्मूला दिया जो याद करके आएगा वो तो खैर मजा लेगा ही। जल्दी लिखिए, हो गया तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है, ठीक है बाबू। एक एक क्वेश्चन बताइएगा, नहीं सर जितना भी पॉसिबल कैसे है सब बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? इसी में सर, इसी क्वेश्चन में इसे एक्स प्लस टू यहाँ दे दे और यहाँ क्या कर दे बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री का रूट कर दे। दोनों में क्या अंतर है? सिर्फ खाली एक ऊपर आ गया। ये क्वेश्चन आप लोग कर लो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पीछे ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन इसी जब ऊपर में ऐसे दे देगा तो आपका हालत खराब हो जाएगा, चार पेज में सोल्यूशन करते रहना। तो पहले हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बाबू आपको फार्मूला तो बताए कौन बोला सर, अगर याद है तो ठीक है। वन बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में, प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में, ये सब छह को बता दिए ठीक है ना, रात भी मैसेज भेज देते। तो यहाँ रूट है ना बाबू, यहाँ रूट है ना, हाँ सर, तो रूट वाला यूज करेंगे। और इसको कैसे लाएंगे? वैसे अभी जैसे सोल्व किए थे वैसे करने की सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको पहले स्क्वायर में लाने की कोशिश करो, एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर या टू के होल स्क्वायर जो भी आ जाए, है ना। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस थ्री इंटू डी एक्स। देखो इसको कैसे स्क्वायर में लाओगे, देखो साइड से कर देते, नहीं तो यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी करना है ना। मेरा क्या दिया हुआ सर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ये दिया हुआ। अब इसको ए प्लस एक्स प्लस वन टू थ्री जो भी है मैंने स्क्वायर फॉर्मेट में जैसे पीछे क्या ना उसी लाने की कोशिश करो ठीक है। तो चूंकि सर क्या होता है सर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। किसी को दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो इसको, इस क्वेश्चन को तुमको ऑलरेडी देखो इस फॉर्मेट में दिया हुआ, इसको यहाँ इस यहाँ पे लाना है ठीक है सर, कीजिए सर। तो देखो पहला टर्म तो ए स्क्वायर है, तो पहला तो सर एक्स स्क्वायर है तो उसको रहने देंगे। प्लस क्या होता है, टू ए भी होता है, तो दो तो ऑलरेडी है सर, तो दो हो गया, दो ऑलरेडी मेरा प्रेजेंट है ना टू के साथ, और इंटू टू ए बी तो एक जगह तो एक्स है सर, इंटू एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए, एक जगह एक्स है ना जी, हाँ सर,
इंटू बी 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 तो बी बी बाबू कितना हो जाएगा, तो बी नहीं है तो अगर बी हम वन के कर देते कोई दिक्कत है, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर में कितना, इसी को बी माने हो ना, तो बी को वन का स्क्वायर कर दो, ठीक है सर। और जब तुम वन का स्क्वायर किया तो तुम्हारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो जब वन का स्क्वायर अभी तक मेरा देखो 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 देखो, देखो ना एक्स स्क्वायर सर प्लस टू एक्स, तो यहाँ तक तो टर्म मेरा आ गया, ये दोनों को सोल्व करोगे बाबू तो यहाँ तक आ गया ना, एक तीन बच गया प्लस तीन प्लस दो ना सर लिखेगा, दो प्लस वन थ्री हो जाएगा ना सर। हाँ बाबू एकदम सही बोला है, ठीक है ना, लेकिन हम उस तरह से तुम ऐसा का मैंने सोच लिया, यहाँ तीन बटा दो आ जाता ना तो पसीना छूट जाता, ठीक है ना। तो जो स्टेप बता रहे हैं सब बाबू एनालिसिस करके बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तो आप तीन सोच रहे हैं सर, तो यहाँ एक का स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ दो का कर दीजिएगा, तो हो गया तीन, बात खत्म हो गया। लेकिन यहाँ तुम्हारा तीन बटा चार आता है तो सोचते सोचते पसीना छूट जाता, सोचो घटाओ कैसे करो 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 करो। तो इसीलिए जो स्टेप बता रहे हैं वो स्टेप सीखो, है ना, ठीक है ना, ठीक है सर। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस ऐड किया ना, प्लस बी स्क्वायर तुम क्या किया ऐड किया, तो बी स्क्वायर ऐड किया तो तुम्हारा फंक्शन चेंज हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर घटाओ, तो इसी को बी माने ना, तो एक तुमने ऐड किया, एक का स्क्वायर ऐड किया तो उसको घटाओ और प्लस जो है वो लिख दो। जो आप बोल रहे हैं ना बाबू उसमें आपका हालत खराब हो जाएगा, जब तीन बटा चार तीन बटा सात पूछ देगा ना तो आप कैसे घटाओगे, नहीं विश्वास होता ना, तो करके देखना इसी में ये बोला करके देखना, आप अपने कंसेप्ट लगाना एक स्क्वायर प्लस टू एक प्लस तीन बटा सात करना, ठीक है ना, इसको तोड़ना जो आप बोल रहे हैं। और ये कितना हो गया बताओ हमको, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी तो एक प्लस वन के होल स्क्वायर हो गया सर, और इसको घटा बाबू तो एक का स्क्वायर प्लस टू एक का स्क्वायर प्लस तीन एक का स्क्वायर प्लस तीन कितना सर प्लस दो, तो मेरा क्या आ गया एक्स स्क्वायर, इसको एक्स मान लो तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो इसको ए स्क्वायर में कन्वर्ट करो ना, तो इसको ए स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करोगे इसको स्क्वायर करो बाबू तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्यों स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे सर, इसलिए स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे बाबू क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट होता है स्क्वायर का, तो इसको रूट टू का स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं सर, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग हौच पोच वाला चीज हटा लेंगे, साफ से लिखेंगे ये हौच पोच वाला था ये हौच पोच वाला था, इतना मेरा जेन्यून चीज है, ठीक है सर। तो इतना को इतना ना लिख सकते, तो लिखिए मतलब क्या सर, रूट टू कैसे की रूट टू का स्क्वायर करेंगे टू आ जाएगा, तो से रूट कटेगा ना भाई, एक स्क्वायर हो गया अब प्लस रूट टू का स्क्वायर हो गया बाबू, ठीक है सर ठीक है, इनटू डीएक्स हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग जो याद करके आए हैं इसका बनाइए, लिखिए जल्दी से, हो गया सर। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, इस तरह से क्या है मेरा कॉन्सेप्ट, अब इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे बाबू, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, यही हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स है तो एक्स की जगह ये है ना, तो एक्स प्लस वन हो जाएगा प्लस, इसी को उतार दीजिए अंडर रूट एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर और प्लस रूट टू का स्क्वायर बाबू का ये बंद और प्लस थ्री। अब ये जो है बाबू इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है, अरे इतना तो सोल्व किया तो इतना आया, तो इतना तो सोल्व करेंगे तो इतना ना आएगा, तो इतना खतरनाक हम लोग देखने में नहीं रखेंगे, ठीक है ना, इतना खतरनाक ना रखेंगे देखने में, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा log of modulus of x plus 1 और प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस 3, लिखिए इतना खतरनाक हमको नहीं ना रखना है एग्जाम में, अथी प्रोफेसर सब अच्छी होता है ना, दिमाग सब ज्यादा नहीं लगाएगा सीधे आंसर, हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है सर, ये आंसर हो गया बाबू। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, log of modulus of x plus 1 plus under root x square plus 2x plus 3 और plus 3, है ना, जल्दी कीजिए अब मजा से पढ़िए एकदम। हेलो सर। हाँ बाबू बोलिए ना, एकदम सुन रहे हैं आप ही लोग के लिए तो बात रहे हैं सुनने के लिए। लास्ट के ऊपर वाला आप सर बता दीजिए, तो स्टेप पहला लाइन दूसरा लाइन तीसरा लाइन चौथा लाइन,
बोलो लाइन बोलो लाइन बोलो ऊपर ऊपर में हम तीसरा लाइन में अंडर रूट ये फार्मूला है ठीक है ना। यही तो होता है और बोल पिस्टोल रहा हो गया। हम रात को मैसेज कर दिए थे कि ये बड़ा फार्मूला इस फॉर्मेट पे कौन से फॉर्मेट पे सर, 1/√x² + a² का फार्मूला अगर आपको याद है इनटू dx, ठीक है ना। तो x का जगह कितना है सर, इतना है सर, और a का जगह इतना है, तो उस फार्मूला पे पुट करो तो आंसर रूट। नहीं देखे थे सर फॉर्मूला। हाँ तो नहीं देखे थे तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो इतना आप रात को मैसेज भी करते हैं 11 बजे 12 बजे तक, आप लोग तो परेशान कर देते हैं, 100 रुपया देते हैं, हम दिन भर चुसते रहते हैं। कोई कहता है ई क्वेश्चन बनाइए सर, कोई कहता है वो क्वेश्चन बनाइए सर, दिन भर बनाते रहे, हमारे में लगा रहिए सर अपना काम धंधा छोड़ के। चलो वो जल्दी लिखिए। तो हमको ये सोल्व करना था ना, ठीक है ना, हमको ये सोल्व नहीं करना, तो हमको इसलिए बताए थे हमको ऐसे, हमको मेन क्वेश्चन ये है, ये बोला है, हमको ये समझाना है कि नीचे क्वाड्रेटिक है और ऊपर लीनियर है तो कैसे करेंगे। यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट ना लगने जा रहा है, ठीक है सर। अब देखो लाख रुपये की बात हमेशा दिमाग में फिट कर लो, 500 में आपको मिल रहा है। फिर एक बार लाख रुपये की बात दोहराते हैं, हर एक क्वेश्चन में यूज होगा जी, कुछ कुछ में नहीं होता है, हर एक में नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा। देखो कैसे चलो देखो यूज करते हैं वो कॉन्सेप्ट, लाख रुपये की बात क्या सर, इसको पहले समझते हैं साइड में कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए यहाँ साइड में समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ दिखा दे कि नहीं दिखा आप लोग का। हाँ सर दिख गया सर, थोड़ा सा नीचे समझाइए। देखो क्या okay, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x(dx) का क्या होगा, है ना, यहाँ रूट है ना, इतना को पूरा एक मान लोगे तो वही होगा ना। हाँ सर ठीक है सर, तो इसका इंटीग्रेशन बाबू हम लोग क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे। इसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो पावर रूल लगाएंगे, ठीक है। तो पावर रूल लगाओ तो x के पावर कितना हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा इंटू dx आ जाएगा, ठीक है सर। तो पावर रूल में ध्यान देना बाबू, स्टार्टिंग से बता रहे हैं, x के पावर n इंटू dx है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है x^(n+1)/(n+1)+c होता, ये पावर रूल है। तो पावर रूल तभी है जब इस फंक्शन का यहाँ डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ऐसे पावर रूल नहीं है, लाख रुपए की बात है, ठीक है ना। x का यहाँ डेरिवेटिव प्रेजेंट है बाबू, तभी यह फॉर्मूला वैलिड है। अगर x का यहाँ डेरिवेटिव नहीं रहेगा तो फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्या बताना चाहते हैं, इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ तो इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है ना जी, x का डेरिवेटिव क्या है, dx है, तो यहाँ पावर रूल लगाइए, आंसर लूटिए। क्या सर बाबू क्या लगाएंगे पावर रूल में, तो ऐसे लगाएंगे x^(-1/-1)+c। तो -1/2+ है कितना हो जाएगा, √x आ जाएगा और बटा 1/2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2√x हो जाएगा और प्लस आ जाएगा। क्यों बताएं सर, बता रहे हैं क्यों बताएं जी, मतलब क्या हम कह रहे हैं, इसका यहाँ डेरिवेटिव है तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है सर। तो यहाँ रूट है ना सर, हाँ सर तो रूट है, तो अगर नीचे वाले फंक्शन के ऊपर हम डेरिवेटिव बना लेते हैं सर, नीचे वाले फंक्शन के ऊपर अगर डेरिवेटिव बना लेते हैं सर, इसका नीचे ऊपर अगर डेरिवेटिव बना लेते सर, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे सर, वह लूट लेंगे, एकदम सही सोचे बाबू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसीलिए बताएं 1/√x है ना जी, इसको छोड़ो, यहाँ x मानो तो 1/√x का कर दिए, लेकिन तभी करना जब इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट रहे। तो यहाँ x नहीं है सर, यहाँ क्या था बाबू x^2x+3 था मेरे बाबू, क्या था सर, x^2x+3 था, ठीक है, प्योर x रहा था, लगा लेते तो नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट करो तो x